हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 10 फॉर क्लास 12। तो आज के वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके डिस्कस करूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम डाली है कि कर तो हम रहे हैं, न्यूमेरिकल हो भी जाते हैं, लेकिन कोई तरीका जिससे हम जल्दी कर सके और गलतियां होने के चांसेस कम हो, तो इसीलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बता देता हूं जो डायरेक्ट भी हो जाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देख लेते हैं कि कैसे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर फॉर द गिवन फिगर। आपके पास जो गिवन सर्किट डायग्राम है, इसको देख के आप ये बताइए इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी, यानी करंट इसके अंदर कितना फ्लो करेगा। सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज आई, यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो अब मैं पहले तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है ये, इसको इजी वे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आपके पास इस टर्मिनल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक दो तीन चार रजिस्टर जुड़े हुए हैं, दूसरे के ऊपर भी चार रजिस्टर जुड़े हुए हैं, और ये जो दोनों हैं, ये दो पैरेलल में इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो, और ये दोनों पैरेलल में इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों जुड़े हुए हैं सीरीज में। तो देखिए जो सर्किट कैसे इसका कन्वर्ट हो सकता है इजी वे में, तो इस तरह से मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आउटर दोनों ले लिए हैं, उसके बाद अंदर वालों को दोनों को मैं बता रहा हूं कि वो यहीं पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई और रेजिस्टेंस तो है नहीं। इट मीन्स ये दोनों कहां पे जुड़े हुए हैं, यहीं पे ही, इसी पॉइंट पे आपके जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देता हूं, ले लीजिए, एक आपका इधर और एक आपका इधर, ये दोनों मैंने जोड़ दिए हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि ये दो पैरेलल में और इसके आगे ये दोनों आपस में पैरेलल में, और यहां से जो रिजल्ट आया और यहां से आया वो दोनों आपस में सीरीज में थी, मैंने इनको सीरीज में कर दिया और यहां पे इस तरह से ये मेरे पास सर्किट डायग्राम बन गया। अब इसमें कुछ भी बचा ही नहीं है, वही आपका यहाँ पे ये टैन रखिए और एमीटर को ये लगा दीजिए और इसमें करंट है आई, नाउ सॉल्व इट। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो डायरेक्ट अब तो शायद इसमें कुछ बचा नहीं, शायद आप कर दोगे। तो ये आपका कितना है 10, 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 1 upon 10 plus 1 upon 10 5 हो गया, 5 ये हो गया, 5 plus 5 10 हो गया, 5 ये, 5 ये, यहाँ पे बीच में 10, तो आपके पास 1 upon RP is equal to, ये हो गया 1 upon 10 plus 1 upon 10 5, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गया, 5 5 plus 5 10, तो नेट आपके पास आएगा 1 upon 5 plus 1 upon 10 plus 1 upon 5। यहां से आपके पास नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, V की वैल्यू आपके पास गिवन है 10, नाउ यूज V इज इक्वल टू IR एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ I। बस केवल और केवल एक बार नेटवर्क को सोल्व कर दीजिए, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचता है। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके आजकल तो फिर भी बहुत कम आने लगे। पहले जब ये मान के चलिए 3 या 4 साल पहले जेई और जेई मेन्स या एम्स वाले जो भी एग्जाम होते थे, उनमें इसी तरह के क्वेश्चन नेटवर्क के आपके आते थे। उसके बाद तो ऐसा हो जाता है कि जो एक बार पेपर में आ लिया जेई एडवांस में, उसके बाद उसको एक बार सीबीएसई बोर्ड में डालते हैं और उसके बाद उसको 10th लेवल पे ले आते हैं नेटवर्क क्वेश्चन में। आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन इनमें से ऐसे हैं जो आप 10th क्लास में कर चुके हैं। तो देखिए इसकी इजी वे क्या होती है, सबसे इजी तरीका इसका क्या होता है, सबसे पहले तो आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं।
मैंने काउंट किए यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टर यहाँ पे कितने, 1 2 3, सपोज यहाँ पे 5 होते, सपोज यहाँ पे 5 होते, तो जहां पे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 5 हो गए तो वहां पे आपको देखना है कि क्या ये ब्रिज तो नहीं बन गया है। कौन सा ब्रिज? व्हीट स्टोन ब्रिज, बताऊंगा मैं आपको, टॉपिक आया नहीं है, जो कहता है पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन में एस, जिसमें कुछ इस तरह के कंडीशन आपकी बनती है, ये कंडीशन होती है आपकी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हुए, 5। तो अगर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर 5 है तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा ये ब्रिज बैलेंस तो नहीं है, तो ऐसे किया जाता है ये पी क्यू आर और एस। तो इसमें क्या किया जाता है, ये रेशियो चेक किया जाता है, अगर ये रेशियो आपका इस पी अपोन में क्यू की जो वैल्यू आई वो अगर आर अपोन एस के बराबर आ गई तो ये यहाँ पे जो रजिस्टर है ये अपना काम करना बंद कर देता है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो ऐसे ही आपको चेक करना होता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका आ रहा है और मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अलग अलग वैल्यू लिख दी, सपोज ये आर लिख दिया, ये आर लिख दिया, तो इसमें जो बीच वाला है वो कौन बनेगा, देखिए पी और क्या बनेंगे, ये जो ये पी और आर, ये पी बनेगा, ये आर बनेगा, ये पॉइंट ये एक इधर चला गया एक इधर चला गया, इस वाले के साथ जुड़ा हुआ है ये, तो ये बनेगा क्या, ये क्या बन गया आपका क्या, ये क्या बना आपका पी, ये क्या बना आपका आर, और ये क्या बन गया आपका एस, और ये रहेगा बीच में। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दीजिए और फिर क्या करोगे, इसको हटा दीजिए, लगा दीजिए रूल, ये दोनों सीरीज में जोड़ दीजिए, ये दोनों सीरीज में जोड़ दीजिए, ये इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया उसको एक रेजिस्टर से दिखा दीजिए, इसका रिजल्टेंट एक से दिखा दीजिए, फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए, आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर ये 5 नहीं है तो क्या होगा, अगर ये 5 नहीं है तो क्या होगा। अब आपके पास और कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जो अलग से लग जाए, नंबर ऑफ रजिस्टर अगर 5 है तो ही वो रूल लग सकता है। अब कहीं ये सोचेंगे इसके बाद एक और लगा दे, वो अलग बात है, फिर वो सर्किट के बाहर चला गया, पहले 5 देख लीजिए, कहीं पे भी अगर 5 आ रहे हैं तो किसी भी तरीके से, यानी 5 से ज्यादा हो तो भी 5 अलग से हो सकते हैं, 5 से अगर कम है तो डेफिनेटली वीट स्टोन नहीं लगेगा, फिर उसके अलावा कोई रूल नहीं है, फिर आपको वो सीक्वेंस पता करनी पड़ेगी, सीक्वेंस क्या कह रही है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ही हो सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो 3 रजिस्टर है, इसका मतलब वीट स्टोन तो है नहीं, तो क्या होगा, फिर एक कॉमन पॉइंट ढूंढ लीजिए, मैंने बीच में ऐसे मन मर्जी से ये पॉइंट ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, इस पॉइंट के ऊपर कितने रजिस्टर जुड़े हुए हैं, देखिए इस रजिस्टर का एक टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल और एक टर्मिनल इसका, इट मीन्स इस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, ऐसा ही क्या और भी कोई टर्मिनल है जिसपे तीनों जुड़े हुए हो, लेकिन तीनों में से किसी भी एक का भी पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा हो। तो देख लीजिए ये पॉइंट देखिए, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया, इस पॉइंट बी के ऊपर जो टर्मिनल इसका ए पे जुड़ रहा था उसका अपोजिट यहाँ पे जुड़ रहा है, जो टर्मिनल इसका ए पे जुड़ रहा था उसका अपोजिट यहाँ जुड़ रहा है, जो टर्मिनल इसका ए पे जुड़ रहा था उसका अपोजिट यहाँ जुड़ रहा है, इट मीन्स ऑल द रजिस्टर्स बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी आर इन पैरेलल, सारे के सारे किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, इट मीन्स ये तीनों एक दूसरे के किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए इस तरह से आपने डायग्राम देखे होंगे तो आप बना दीजिए, ये मनमर्जी आपकी, किसी को भी कहीं पे डाल दीजिए, बस सारे पैरेलल में है, इस तरह से आपके पास नेटवर्क बन जाएगा, सभी को आप पैरेलल से सोल्व कर दीजिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार लिख देता हूँ बोर्ड पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका लिखा है R1 is equal to 4 ohm, R2 is equal to R3 is equal to 15 ohm and R4 is equal to 30 ohm and EMF of the cell which is used in the circuit is 10 volt, यानी ये कितना given है आपका 10 volt, find out R equivalent, सबसे पहले तो इस circuit का total resistance निकाल दीजिए and current in each resistor और फिर उसके बाद हर resistor में current निकाल दीजिए। तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि इसमें से टोटल करंट आई यहाँ से फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है, ये R1 है, तो यहाँ पे आपका गया सपोज I1, यहाँ पे चलो चल ठीक है, यहाँ पे गया आपका I2,
तो क्या करता हूं मैं कि ये जो आपका I1 है ये फिर दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपका जो I1 है ये फिर दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जरूरत भी नहीं, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप केवल इसको ऐसे छोड़ के यहां पे कर दीजिए, ये आपका I2 ये लिया है तो ये ले लीजिए I1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ I1। और बस केवल वैल्यू निकालने हमें तो कुछ भी दे दीजिए ना, I1 हो गया, I2 हो गया, और ये ले लीजिए I3, और ये है आपका I। और चाहो तो आपकी बुक में जिस तरह से डायग्राम दे रखा है एज इट इज भी आप बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। बस हमें केवल और केवल ये बताना होता है कि इनकी वैल्यू कितनी होती है। बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी हो गया है आपका। देखिए सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल दूं तो टर्मिनल्स के नाम दे देता हूं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए और बी, ए और बी के बीच में इस बी पॉइंट पे देखिए कितने रेजिस्टर जुड़े हुए हैं। R3 का एक टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ, R4 का एक यहाँ जुड़ा हुआ, और R2 का एक यहाँ जुड़ा हुआ। ऐसे ही एक कोई और टर्मिनल और देख लीजिए, अगर ये तीनों उस पे भी जुड़े हुए हैं तो ये तीनों होंगे पैरेलल में। तो ये टर्मिनल देखिए ए, ए पे ये जुड़ा हुआ, और ये दोनों भी आपके जुड़े हुए हैं। इट मींस ए और बी के बीच में ये तीन रजिस्टर हैं, तीनों के तीनों आपके पैरेलल में हैं। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं 1/RP, और विच इज इक्वल टू 1/R2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1/15 प्लस 1/15, उसके बाद बच गया R/4, और ये हो गया आपका प्लस 1/30 सॉलिड। तो ये आपके पास 30 ये हो गया 2 + 2 + 1, तो ये आ गया आपके पास 5/30, और RP इज इक्वल टू 30/5, और वो आपका हो जाएगा 6 ओम। क्लियर है, RP को यहाँ पे छोड़ दीजिए। नेट रेजिस्टेंस जिसने पूछा है तो बाकी जो दूसरा बच गया वो इसके सीरीज में होगा। तो टोटल R equivalent की वैल्यू अगर मैं बात करूं, R equivalent 6 ओम ये, और R1 की वैल्यू है 4, तो 10 ओम ये मेरे पास नेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ आया है 10 ओम। कितना आया? 10 ओम। आगे देखिए, अब मैं सोल्व करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालूंगा। तो जब करंट इसमें जाएगा तो इसके रास्ते में अब तक कोई ड्रॉप नहीं हुआ है, करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से, और वो घूम के आएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो यहां तक कोई ड्रॉप नहीं हुआ है, तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही जितना इस सेल का है। इट मींस इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू एज इट इज 10 है। कितनी है? 10 है। तो इसके लिए मैं बात करता हूं, वी नो दैट वी इज इक्वल टू IR, हियर वी इज इक्वल टू ई, और आई की वैल्यू आई है, और आर की जगह पे R1 इंटू में कितना है ये आपका 4 है, ये आपका कितना है 10 है। R1 एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, R1 की वैल्यू क्या मैंने सही लिखी है। हाँ बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेट जो करंट है वो इक्विवेलेंट अगर मैं करूंगा तो सीरीज में फ्लो करता है, तो यहाँ पे मैं R equivalent यूज करूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो I = 10/10 = 1 एम्पीयर। इस कंप्लीट सर्किट के अंदर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पीयर। यहाँ का काम हुआ खत्म, I की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 1 एम्पीयर। कितना आया भाई? 1 एम्पीयर। उसके बाद देखिए ये तीनों तो आपके किस में है? पैरेलल में। इक्विवेलेंट कितना है? RP कितना? कितना? 6 ओम। और जितना करंट आपका इसमें है इनका कॉम्बिनेशन के बाद कुछ ऐसा करके एक बनेगा ना, ये सारे हट जाएंगे। सपोज वो आपका RP यहाँ पे आ जाएगा, और वो इसके होगा सीरीज में, तो जितना करंट इसमें उतना ही इसमें। तो मैं कर रहा हूं कि जो इसके कंप्लीट के अंदर जो आई की वैल्यू है वो आपकी, नहीं सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देता हूँ इसका। तो सपोज वो वी होगा, VAB अक्रॉस वी और ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल, वी इज इक्वल टू IR, आई आपका वही रहेगा, आर की वैल्यू RP रहेगी। ये हट गया है यहाँ से, इसको हटा के ये हम यूज करेंगे तो पोटेंशियल मेरे को पता चल जाएगा।
तो आरपी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ये 1 into में आरपी की वैल्यू आई थी 6, ये हो गया है 6, तो वीएपी इज इक्वल टू 6 वोल्ट। शायद अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, इसके लिए 6 वोल्ट वी इज इक्वल टू 6, इसके लिए वी इज इक्वल टू 6, इसके लिए वी इज इक्वल टू 6। आर की वैल्यू गिवन, वी गिवन, आई 3 आ जाएगा इस फॉर्मूला से इजीली आ जाएगा, शायद 0.5 आ जाए, जो भी आए आप लिखते हैं ना, यहाँ पे आपके पास आई 1 आ जाएगा, वी की वैल्यू कितनी 6, आर की वैल्यू कितनी R4 है 30, तो आपका 6 और ये 30, तो शायद 6/30 आएगा, तो सोल्व करने के बाद 0.2 हो जाएगा। ऐसे करके आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ I3, तो I3 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V बाई R, V कितना 6, V कितना 6 और R कितना R3 15, क्लियर है। ऐसे ही क्या निकाल देता हूँ I1, ये यहाँ पे मैंने नाम दिया इसको, इसके अंदर जो है I1 इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी है 6 और पोटेंशियल सॉरी रेजिस्टेंस है 30, तो 6/30 इसमें आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास ये मैंने नाम दिया इसको I2 इज इक्वल टू 6/ इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू है 15, तो ये आ जाएगा ऐसे करके, और हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो बहुत इजी होते हैं ये, तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे पैरेलल में आ गए थे, अदरवाइज मेथड और भी कुछ हो सकता था, थोड़ा और भी लेंथी आपका क्वेश्चन जा सकता था। तो नेटवर्क के क्वेश्चन डायरेक्ट केवल आई निकालने वाले और डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट निकालने वाले बहुत कम चांस पेपर में आएंगे। पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें सब कुछ यूज हो जाता है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ आपके रेजिस्टर्स भी हो गए, आपका जो नेट रिजल्ट आपका R1/RP कैसे आता है, RS कैसे आता है, अगर वो नहीं पता तो आप ये भी नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या यूज बताया था मैंने कि अगर सीरीज में कितने भी रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं तो सभी में करंट सेम, और पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो पोटेंशियल सेम, तो वही रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आपको वो याद नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए इसी तरह के न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 5 न्यूमेरिकल ऐसे सभी इस वीडियो के जस्ट बाद, एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल इस टाइप के मेरे पास एज असाइनमेंट आप सभी को प्रोवाइड करवाने हैं। टाइम रहेगा अप टू 9 PM, ठीक है, जिस दिन वीडियो देखोगे उसी दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी सा एक क्वेश्चन मैंने वहां पे आपका लिख रखा है, दिखने में ऐसा क्रिटिकल है लेकिन मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले क्या काउंट करना शुरू कर दीजिए, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो फिर आपको चेक करना कहीं वीट स्टोन तो नहीं बन रहा है। और यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर 10 हो गए, कितने हो गए 10, और वीट स्टोन की जो शेप मैंने बनाई थी वो आपको इजीली दिख रही है, इससे ऊपर एक वीट स्टोन और इससे नीचे एक वीट स्टोन, इट मीन्स ये रजिस्टर काम नहीं करेगा, ये रजिस्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या है बराबर। अब देखिए ऊपर ऊपर क्या है आपका, ये आर नाम दे देता हूँ, चलो इसको मैं नाम दे रहा हूँ ये ए बी, इसको पी नाम दे देता हूँ, इसको क्यू दे देता हूँ, ठीक है, चलिए ये पी और क्यू कहाँ जाएंगे बस इतना पता चल जाए, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। तो ये रजिस्टर कौन से वाला, ये वाला, उसके बाद पॉइंट आएगा पी, फिर रजिस्टर अगले वाला, बताइए सही बात है कि नहीं, सीरीज में है ना ये दोनों, ये और ये, तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे। उसके बाद क्या वाले को और देख लेता हूं मैं, तो पहले तो आपका ये आर है, उसके बाद पॉइंट क्या आएगा, उसके बाद ये रजिस्टर और आ जाएगा, और ये लो भाई बस, उसके बाद बीच वाला अभी किया था, अभी किया था, ये दोनों किस में पैरेलल में, इनका जो रिजल्ट आएगा उसको एक साइड में लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ये दोनों आपस में पैरेलल में, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको अलग साइड में लिखेंगे, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट किस में है, सीरीज में, तो दो पैरेलल का रिजल्ट सीरीज में है, तो दो पैरेलल का रिजल्ट किस में है, सीरीज में, ये लो। उसके बाद कुछ भी बचा ही नहीं है इसमें, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को आपस में पैरेलल में करके अलग अलग कर लीजिए, सीरीज बना दीजिए, उसके बाद इसका एक बना दो, इसका एक बना दो, इसका एक बना दो, सभी को तीनों को किस में जोड़ दोगे, पैरेलल में। तो आज के वीडियो में मैं इतने न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो आपका मैं लेके आऊंगा कि जो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है उसमें ग्रुप मिक्सिंग आपकी बची हुई है,
मैक्सिमम करंट आपको मैंने बताया था और मिनिमम करंट क्या है, सॉरी मैक्सिमम करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कब फ्लो करेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ जो आपके या सेल है उनके ग्रुपिंग जो पढ़ी थी उसकी सीरीज और पैरेलल में करंट मैक्सिमम कब होगा, तो एक मैंने बताया था, एक आपको टास्क दिया था एज ए असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, तो उम्मीद करता हूँ सभी ने कर लिया होगा। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स के टाइप मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, किस तरह से इनको सोल्व किया है। मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि इजी मेथड है, लेकिन कई बच्चों को मेथड किसी को कोई इजी लग जाए किसी को ना भी लगे, मैं सभी के लिए ये तो नहीं कह सकता कि बहुत इजी लगेगा सभी को, लेकिन अगर किसी को और दूसरे मेथड से कर लिया है किसी ने और वो लग रहा है कि ये मेरे को समझ में आ गया इजी है, तो आप एक बार बस ये जरूर करके देख लीजिए कि उसको एक ही न्यूमेरिकल पे अप्लाई करके मत देखिए, उसको दो तीन न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करके देखिए। आपका जो तरीका है अगर आंसर सेम आ रहे तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर एक का आंसर आ गया एक का नहीं आया तो फिर तरीका आपको यही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स।